हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज़ में मैं प्रिंस आप लोगों का वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है मेकिंग अ मील, जो कि कोडसेप से है। ठीक है, तो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर हर बार आप कोडसेप से करा रहे हैं, क्या बात है, हैकर अर्थ और कोडफोर्स स्टफ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे जो माइंड में टारगेट है मैं सोचा थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर हैकर अर्थ, कोडफोर्सेस, फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट है, a2ojo.com, हम लोग सब पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए कोडसेप पे जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन मेकिंग ए मील, जो कि आपको प्रैक्टिस के बिगनर सेक्शन में मिल जाएगा, जिसका कोड है CFMM। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो मैंने क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड क्वेश्चंस को पढ़िए कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो कॉल्ड्रॉन वर्ड है, कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है कि लार्ज मेटल पॉट। ठीक है, इट मीन्स कि एक कटोरा जिसमें कि हम लोग कुछ मिक्स करना है। तो आई होप क्वेश्चन तो समझ में आने लगा होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आप सीधा क्वेश्चन समझते हैं और डिटेल में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस बार हम लोग को मील बनाना है। जो हमारा सेफ है उसके पास n इंग्रेडिएंट्स है, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो इंग्रेडिएंट्स है ये, या फिर और इंग्रेडिएंट्स बढ़ा लेते हैं, बस इतना हम लोग इंग्रेडिएंट्स मानते हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि किसी भी खाना को बनाने के लिए जो जो चाहिए होता है, जैसे कि सब्जी बनाने के लिए क्या प्याज चाहिए, मसाला चाहिए, नमक चाहिए, तो उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहेंगे। तो इस केस में जो डिश बनाना है, डिश का नाम बाद में बताते हैं, तो उस डिश को बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स है। अलग अलग डिश के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होगा। ठीक है, नौ एन इंग्रेडिएंट्स है, तो हम लोग टोटल 6 लिए हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मिक्स करेंगे एक कटोरी में, ये रहा बॉल, और उसको हम लोग मिक्स कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? नाउ मिक्स करने के बाद क्या है, कटोरी में कुछ इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले चले गए। यहाँ तक क्लियर? नाउ आफ्टर डैट सारे लेटर्स स्मॉल है, यहाँ तक तो क्लियर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, ये रहा देखिए इनपुट ऑफ द कंटेन, सॉरी यहाँ पे कंस्ट्रेंट, इच स्ट्रिंग कंटेन ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर। जो हम लोग को मसाला दिया हुआ है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है और सारे स्मॉल लेटर्स है, यहाँ तक क्लियर। अब मिक्स करने के बाद क्या होगा, अब हम लोग एक एरे बनाते हैं इंट a26, जो कि सारे करेक्टर मैक्सिमम 26 होते हैं, उससे ज़्यादा कितना करेक्टर होते हैं ना उससे कम करेक्टर होते हैं। तो सब एरे मान लिया 26 लेंथ का, 0 से लेकर 25 इंडेक्स तक। ठीक है, और सब में 0 स्टोर कर दिया। अब हम लोग काउंट करेंगे कि सारे मसालों में ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया, जेड कितनी बार आया। इससे हमें पता चल जाएगा कि हर एक, मतलब कि हर एक मसाले नहीं, टोटल जितने ही मसाले हैं वो सब सारे अल्फ़ाबेट से बने हैं, जो कि 26 है। तो इट मीन्स कि जब सबको हम सारे अल्फ़ाबेट्स को हम लोग काउंट कर लिए कि सारे मसाले में सारे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो मैंने एक रैंडमली, मैंने कैलकुलेट नहीं किया ये डाटा, इट मे बी फॉल्स, तो मैंने एक रैंडमली कुछ मान लिया कि इस तरह से सारे एरे भर जाएंगे, सारे इंडेक्स में स्टोर हो जाएंगे कुछ ना कुछ डेटा। ठीक है, अब हम लोग का मेन डिश क्या है, मेन जो डिश है वो हम लोग का है कोडसेफ। हम लोग को कोडसेफ बनाना है, कोडसेफ नाम का डिश बनाना है। चलिए थोड़ा और एलोबरेट करते हैं। तो मेन डिश क्या है, कोडसेफ, जिसमें कि सी कितनी बार है, 2 बार, डी 1 बार, ई 2 बार, एफ 1 बार, एच 1 बार और ओ 1 बार। टोटल 6 लेटर चाहिए, जिसमें कि सी 2 बार है, ई 2 बार है और बाद बाकी 1 बार है सारे लेटर्स। ठीक है, और हम लोगों ने सारे लेटर्स को कैलकुलेट कर लिए हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के सारे लेटर्स कितने हैं। यहाँ तक क्लियर? नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक रैंडम डेटा लेते हैं कि हम लोग फिर सॉल्व कैसे करेंगे। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, एक मेरा जो अप्रोच रहता है, मेरा क्या है, जो सारे कोडर्स का अप्रोच रहता है कि पहले आप छोटे से टेस्ट केस लीजिए, देन आप उससे जनरल कोड बनाइए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिया कि मान लो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किए, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स कैलकुलेट करने के बाद, सारे इंग्रेडिएंट्स में जितने लेटर्स हैं उन्हें कैलकुलेट करने के बाद, मान लो जो सी आता है 24 बार, डी आता है 7 बार, ई आता है 15 बार, एफ आता है 6 बार, एच आता है 8 बार और ओ आता है 5 बार। ठीक है, हम लोग को एक बेसिक, एक मेन डिश कोड से बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, सी चाहिए 2 बार, डी 1 बार, ई 2 बार, बाद बाकी सारे 1 बार चाहिए। मतलब कि जेड हो, ए हो, एम हो, एन हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इन 6 पे फोकस करना है। ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या बनाना है, कोडसेप, और कोडसेप बनाने के लिए सिर्फ हम लोग को ये 6 लेटर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी 2 बार है और ई 2 बार है, तो हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है,
अब बाद बाकी को वंस है, यहाँ तक क्लियर? बिकॉज टू से इसलिए डिवाइड की है बिकॉज हम लोग को पता चल गया कि टू से डिवाइड करने के बाद सी कितनी बार बच रहा है, ताकि हम लोग एक लॉट बना सके, ठीक है? जैसे कि डिवाइड करने आया, सी आया 12 बार, डी आया 7 बार, ई आया 7, नाउ एफ आया 6, ई 7 कैसा आया? देखिए 15 बाई 2 क्या होता है? 7.5, जो कि इंटीजर में कन्वर्ट होकर 7 हो जाता है। एफ आया 6 बार, एच आया 8 बार, ओ आया 5 बार। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए कोड से बनाते हैं। तो सी हम लोग उठा लिए 2 बार। देखिए 2 बार उठा, 2 से डिवाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे सी 1 बार माइनस कर देंगे तो सी बचेगा 11, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग 2 बार उठा चुके हैं, ठीक है? इसलिए हम लोग लॉट बना लिए। तो समझ में आया मैं क्या कहा? मैंने कहा जैसे कि सी ए 24 बाई 2 कर दिए 12। अब हम लोग कोर्ट से बनाना है तो हम लोग के लिए 2 सी चाहिए, तो हम लोग नीचे वाला लाइन सिर्फ देखेंगे, सबसे नीचे वाला लाइन सी 12, डी 7, ई 7, एफ 6, एच 8 और ओ 5, ठीक है? हम लोग ये लाइन देखेंगे। अब इस लाइन में हम लोग को सी 2 बार चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सी हटा देंगे। तो एक सी हटाएंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को 2 बार सी मिलेगा। तो अब क्या बचा, सी बचा 11, कॉपी में लिखते जाइए। डी चाहिए 1, तो डी माइनस कर देंगे तो 7, तो अब क्या बचेगा, 6, डी मिल गया, ठीक है? ई चाहिए 2, तो ई तो अल्टीमेटली 2 ले रहे हैं, तो ई को 6 कर देंगे, 1 घटा दिए अगर ई, तो अल्टीमेटली 1 घटाने पर हम लोग को 2 मिल रहा है, तो हम लोग उसको 2 से पहले डिवाइड कर चुके हैं। उसी तरह करते करते 1 बार कोट से बन जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कितनी बार बनेगा? मैक्सिमम बनेगा जितनी बार ओ है, बिकॉज हम लोग पास भले ही सी प्रजेंट हो, डी प्रजेंट हो, ई प्रजेंट हो, एफ प्रजेंट हो, लेकिन 5 बार बनाने के बाद ओ तो ख़त्म हो जाएगा ना। ओ ख़त्म हो जाएगा तो कोड से बन नहीं पाएगा, भले ही सी डी ई हमारे पास पड़ा रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स कि नीचे वाली लाइन निकालने के बाद उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा कि हम लोग उतना इन्ग्रीडियंट्स बना सकते हैं, सॉरी उतना मेन डिश जो कोडसेफ है वो बना सकते हैं, उसके बाद नहीं बना सकते हैं, जो सबसे मिनिमम होगा। यहाँ तक क्लियर? चलिए हम लोग इसका कोड करते हैं। कोड बहुत टफ नहीं है, आई होप कि आपको समझ में आया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम लोग लेते हैं आयो स्ट्रीम, आयो स्ट्रीम नाउ यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन। पहले हम लोग को टेस्ट केस दिया है, तो इंट टेस्ट केस लिख लेंगे हम लोग, सीन टेस्ट केस वाइल टी माइनस माइनस। अब हम लोग क्या मिल रहा है, इंग्रेडिएंट्स मिल रहा है एंड सी इन एंड। अब हर इंग्रेडिएंट्स का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। पहले हम लोग एक इंट मानते हैं एरे 26 का, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, सब में 0 डाल देते हैं। अब मैंने बता रखा है डायरेक्ट 0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एरर आएगा। देखिए आएगा एरर, एरर आ गया, हम लोग को कर्ली ब्रेसेस के अंदर 0 लिखना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर इंट आई बराबर 0, आई लेस देन, हम लोग कटोरी तैयार कर रहे हैं, तो हम लोग ए ने इसे बॉल कर देते हैं, ठीक है? अब कटोरी में सारा हम लोग इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। तो एन आई, अब हर एन के करस्पॉन्डिंग, हर आई के करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिल रहा होगा, स्ट्रिंग एस, हम लोग को एक इंग्रेडिएंट्स मिल रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट जे बराबर 0 से जे लेस देन एस डॉट साइज एंड जे प्लस प्लस, ठीक है? अब इसके इससे करने से क्या हुआ, इंट एक्स बराबर एस ऑफ जे माइनस 97 क्यों लिए, बिकॉज सारे स्मॉल है, तो ए ऑफ सॉरी बाउल ऑफ एक्स प्लस प्लस। ये समझ में आया होगा कि ये हम लोग ने काफ़ी बार यूज़ कर रखा है कि हम लोग कैसे उस वैल्यू को भरते हैं। पहले हर देखिए हर आई के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, एक स्ट्रिंग मिला। अब हर एक स्ट्रिंग के करेक्टर को देखने लगे हम लोग, हर एक करेक्टर मिल गया हम लोग को। अब करेक्टर को 97 से माइनस कर दिए तो इंडेक्स वैल्यू मिल गया, ये रहा इंडेक्स वैल्यू। अब इंडेक्स वैल्यू को उस बॉल में जाके हम लोग बढ़ा दिए। अब अल्टीमेटली करते करते हम लोग सारा लेटर हम लोग मिल गया, वी गेट ऑल लेटर्स, सारा लेटर हम लोग को मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर लेटर में हम लोग चेक करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वैक्टर मानते हैं। अब वैक्टर क्यों मान रहे बताते हैं, इंक्लूड वैक्टर। अब एक वैक्टर मानते हैं वैक्टर इंट वी, ठीक है? अब हम लोग वी डॉट पुश बैक करेंगे, क्या पुश करेंगे हम लोग, ए ऑफ पहले सी, सी का इंडेक्स क्या हुआ, सी का इंडेक्स हुआ 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है?
हम लोग अब ये काउंट कर रहे हैं, अब ये जो वैल्यू है 12, 7, 7, 6, 8, 5, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर में पुश कर रहे हैं, और फिर सॉर्ट फंक्शन के द्वारा फाइंड कर लेंगे सबसे मिनिमम कौन है, बिकॉज जो सबसे मिनिमम होगा वो तो नहीं बार हम लोग कोड से बना सकते हैं, बिकॉज उसके बाद तो वो डाटा खत्म हो जाएगा, फिर तो कोड से हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ए नहीं आएगा, यहाँ आएगा बॉल, एग्जैक्टली कटोरी से चेक करेंगे कि सी कितनी बार है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वी डॉट पुशबैक करेंगे, फिर बॉल करेंगे हम लोग, नाउ बॉल ऑफ क्या करेंगे इस बार, थ्री डी के लिए कर रहे हैं, डी तो एक ही बार चाहिए था, तो डिवाइडेड बाई वन करो या मत करो, कोई मतलब मैं कर दे रहा हूँ सेफ्टी के लिए, सेफ्टी क्या मतलब, मतलब फील आने के लिए कि हाँ ठीक है उतनी बार हम लोग कर रहे हैं, तो ये था डी के लिए। अब हम इसे बार बार मैं नहीं लिखूँगा, मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, पेस्ट। अब हम लोग को क्या चाहिए, अब चाहिए फोर, फोर में क्या मिलेगा हम लोग को, ई मिलेगा, ठीक है, तो ई चाहिए तो दो बार, तो ये हुआ ई, ठीक है, फिर पुश बैक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइव, फाइव पे क्या मिल रहा है हम लोग को, एफ, ठीक है, एफ भी चाहिए था एक ही बार, इसलिए वन से डिवाइड किए। अब क्या चाहिए, पुश बैक, अब हम लोग कर रहे हैं सेवन, सेवन इंडेक्स पे क्या होता है, एच होता है, और एच भी कितनी बार चाहिए। अब देखिए ये डेटा मैंने आपको, ये नीचे वेबसाइट का लिंक दे रखा है, मैंने इस डेटा से आपको बता रखा है कि आप लोग एसक्यूआई टेबल कैसे देखें, और आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात चीज़ नहीं है, यहाँ तक क्लियर। नाउ अब हम लोग फिर से करते हैं पेस्ट, एंड इस बार 14, 14 पे क्या मिलता है हम लोग को, ओ, ठीक है, सॉरी जीरो हो गया, ओ, ठीक है। अब कोट्स एफ हो गया, टू से डिवाइड कर दिया, टू से डिवाइड किया किसको, सी को और ई को, बिकॉज हम लोग को कितनी बार चाहिए था वो, दो बार। अब हम लोग सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे, वी डॉट बिगिन कॉमा वी डॉट एंड, सॉरी एंड, सॉर्ट फंक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एल्गोरिथम, एग्जैक्टली हम लोग सही जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे हम लोग कोड लिखते हैं। अब जो सब, अब सॉर्ट तो हो गया, अब जो सबसे मिनिमम आया वैल्यू उतनी बार हम लोग बना पाएंगे, तो वी ऑफ जीरो सॉर्ट हो गया, एंड डन, खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉपी करते हैं एंड रन करके देखते हैं कि ये सबमिट हो रहा है या नहीं, तो सबमिट, मतलब कितना ईजी था, पहले कटोरी में सारा काउंट कर लिए हम लोग, क्या काउंट कर लिए कि कितनी बार हमारे पास डेटा प्रेजेंट है, सॉरी अल्फ़ाबेट प्रेजेंट है। अब सी जो छः लेटर है, सी डी ई एफ एच ओ, अब उसे देख लिए हम लोग, जो सबसे मिनिमम होगा उतनी बार, खुद दिमाग लगाए ना, ओ खत्म हो जाएगा उसके बाद कहाँ से हम लोग, भले बात बाकी बचा रहे, तो सबसे मिनिमम वाला को टारगेट करते हैं, अगर उतना बार प्रेजेंट है तो हमारा काम हो जाएगा। ना बधाई हो, हमारा कोड फिर से सक्सेसफुली सबमिट कर गया, एंड यस आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उतना टफ भी नहीं था, आप लोग से भी हो सकता था। अब आप लोग काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसका मुझे भरोसा है। तो प्लीज़ आज का जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोग उसे अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, उतना भी टफ नहीं है बट मज़ेदार है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।